भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में बात करेंगे। पहली ट्रिक है, चावल का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। दोस्तों, इसका रिसर्च सेंटर पता करने के लिए हमने चावल का यूज़ करा और एक लड़के को हमने चावल खिलाया। इसने खाते ही चावल इसके मुंह से कट कट की आवाज़ आने लगी। तो दोस्तों, चावल का जो रिसर्च सेंटर है बिल्कुल कटक में है, कट कट से कटक में है। तो ये आसानी से आपको याद रह सकता है। चलिए नेक्स्ट रिसर्च सेंटर की बात करते हैं, कांच का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या करा, एक कांच लिया, उसके ऊपर कोल रखा, मतलब कोयला, कोल रखा और उसे काटा। तो हमने क्या करा, कोल को काटा। तो कोल को हमने दोस्तों काटा, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, कोल काता। तो दोस्तों, कांच का रिसर्च सेंटर कोलकाता में है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट रिसर्च सेंटर की बात करते हैं। दोस्तों, आलू का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करा, आपको जैसा दिख रहा है चित्र में, ये आलू है, इसका टेस्ट करना था, रिसर्च करना थी। तो दोस्तों, ये आलू है कि नहीं, हमने टेस्ट करने के लिए इसके साथ शिमला मिर्च के साथ सब्जी बनाई और खाई, तो बिल्कुल आलू का टेस्ट आया, मतलब हमने शिमला मिर्च का यूज़ करा, मतलब दोस्तों शिमला, बिल्कुल सही। आलू का रिसर्च सेंटर शिमला में है, शिमला दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अगली ट्रिक को समझते हैं, चीनी का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। आपको यहाँ चित्र में एक बोरा नजर आ रहा होगा जिसके अंदर चीनी भरी हुई है, ये चीनी है कि नहीं ये टेस्ट करना था। तो दोस्तों, हमने क्या करा कि इस लड़के के कान में इस साइड से चीनी डाला और उस साइड से देखा कि चीनी निकल रही है कि नहीं निकल रही है, पर दोस्तों चीनी उस साइड से निकल गई, मतलब हमने चीनी का प्रशिक्षण करने के लिए कान का यूज़ करा। तो बिल्कुल दोस्तों, चीनी का रिसर्च सेंटर कानपुर में है, अपन ने कान का यूज़ करा तो कानपुर में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगली बात करते हैं, मस्तिष्क का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो मस्तिष्क का रिसर्च सेंटर पता करने के लिए दोस्तों हमने क्या करा, एक लड़के के मस्तिष्क पे गुड़ का पूरा के पूरा डल्ला खींच के मारा, तो उसका मस्तिष्क बिल्कुल सही रहा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो मस्तिष्क का रिसर्च सेंटर गुड़ गांव में मारा, इसलिए गुड़ से गुड़गांव, आपको बिल्कुल आसानी से याद रह सकता है एक बार में। चलिए फ्रेंड्स अगली बात करते हैं, फ्यूल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो दोस्तों, आज क्या हो रहा है, हम अपनी बाइक वगैरह में खूब सारा फ्यूल डला डला के धन की बर्बादी कर रहे हैं, तो धन बर्बाद कर रहे हैं, तो धन बाद धन बर्बाद, बिल्कुल सही दोस्तों। तो फ्यूल का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है दोस्तों, धनबाद में है, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। इस सेंट्रल का कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नारियल का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है सेंट्रल का। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि ये एक नारियल का पेड़ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस नारियल के पेड़ के नीचे एक बच्चा खेल रहा है और पानी पी रहा है। तो होता क्या है दोस्तों कि नारियल का पेड़ के नीचे अगर ये बच्चा खेल रहा है तो अचानक से इसके सिर पे एक नारियल गिर जाता है और ये भगवान से बोलता है कि कैसा है रे गॉड तू, क्या मैं यहाँ पर भी नहीं खेल सकता। तो दोस्तों, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने कि सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, केसरगोड में है। फ्रेंड्स, अगला हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल का टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तंबाकू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है सेंट्रल का। तो हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, ये एक तंबाकू लिया, हम लोगों ने इसका रिसर्च करना था, तो हम लोगों ने सबसे बड़े इंसान को चुना जो कि राजा था। तो हम लोगों ने राजा से बोला कि राजा, इसका रिसर्च करके बताओ कि ये तंबाकू है कि नहीं है। तो राजा ने बोला कि ठीक है, आप मेरे मुंह में डाल दो इस तंबाकू को, मैं बता देता हूं। तो हम लोगों ने राजा की मुंडी ली और इस मुंडी में हम लोगों ने ये तंबाकू डाल दिया। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, राजा की मुंडी में ये तंबाकू डाला, तो इससे बना हमारा राजमुंडरी। तो सेंट्रल का जो तंबाकू का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है राजमुंडरी में। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक टीचर थे, इन्होंने सोचा कि यार मैं टीचर हूँ, पैसे भी कमाता हूँ, पर मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं माइनिंग करता हूँ। तो लग गए भैया माइनिंग करने, ये सोच के कि खूब सारा पैसा मिलेगा। माइनिंग करते रहे, कई साल निकल गए, पर कोई पैसा इनका नहीं मिला और जितना इनके पास धन था सारा धन बर्बाद कर दिया। तो धन बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, इनको तो कुछ नहीं मिला, पर अपने को जरूर ट्रिक मिल गई कि सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन कहां पर है, धनबाद में है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं।
सेंट्रल सॉल्ट एंड मेराइन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, केंद्रीय नमक व समुद्र रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सॉल्ट नमक दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका हमको क्या करना थी, रिसर्च करना थी। तो एक लड़का आया, उस लड़के ने क्या करा दोस्तों, लेबोरेटरी में गया और सारा नमक लेबोरेटरी से चुरा लिया। अब चुरा लिया और जो रिसर्च करने वाला था उसको ब्लैक में बेचने लगा। तो ब्लैक में बेचने लगा तो उसने बोला कि यार ठीक है दे दो। तो बहुत ज्यादा भाव कर रहा था ये लड़का, तो वो बोला कि यार भाव ना कर, चुपचाप दे दे। तो भाव ना कर, बिल्कुल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंट्रल सॉल्ट एंड मेराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, भावनगर, भावनगर गुजरात में। ओके, आसानी से याद रह सकता है। चलिए हम अगले रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, HARL, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहां पर है, ऊंचाई पर रिसर्च लेबोरेटरी कहां पर है। तो दोस्तों ऊंचाई पर होगी तो ऊपर जाने के लिए रास्ता कैसा होता है, हमारा जो मार्ग होता है हमारा वो गोल गोल घूम के जाता है, हम डायरेक्टली ऊपर तो चढ़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे गोल गोल घूम के जाता है जैसे आप चित्र में देख रहे हो। तो दोस्तों हम ऊपर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, गोल गोल मार्ग होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, तो गोल मार्ग आप आसानी से याद कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। एक आदमी बहुत खुश हुआ, क्यों खुश हुआ, क्योंकि इसने क्या करा, शॉपिंग करी, लेदर के शूज और चेन खरीदी सोने की, ठीक है। अब जो लेदर का जो इसने शूज खरीदे थे, अब लेदर का जो रिसर्च करने वाला था वो चोर बन के आया और आके इससे लेदर के शूज चुरा के ले गया, बोले कि बंदूक दिखा के, बोले मेरे को रिसर्च करना है मेरे को दे दे, तो वो शूज ले गया। तो ये आदमी खुश होने लगा कि चलो मेरे शूज चले गए पर चेन नहीं गई, वो तो सोने की चेन ऑब्वियस सी बात है वो उसके लिए सोचेगा, तो चेन नहीं गई तो खुश हुआ। तो चेन नहीं गई से दोस्तों आसानी से हम याद कर सकते हैं, चेन नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, चेन्नई में है, ठीक है फ्रेंड्स।